So guys, hello and welcome back to the channel, and I hope all of you guys are doing absolutely fine, safe from COVID-19 second wave. And please yaar, please aap apna protection, apne family ka protection rakho aur safe raho. So actually aaj ka ye video ko start karte hain. So guys, video start karne se pehle agar aap channel pe naye ho to channel ko subscribe kar lo, bagal mein jo bell icon hai usko press kar lo. और अगर आप अभी तक नहीं जानते हो कि मेरा सेकंड चैनल है जो जिसको भी आर्ट में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, स्केचेस में इंटरेस्ट है, जो देखना चाहते हो कि स्केच कैसे बनाते हैं, क्या है, जिसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो वो प्लीज़ मेरा सेकंड चैनल का नाम यहाँ पर आ रहा होगा, द बॉर्न आर्ट, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर उसको भी सब्सक्राइब करना. और इस चैनल को तो जिसको एविएशन में इंटरेस्ट है वो सब्सक्राइब करो ही करो. तो यार चलो आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं. 2020 अप्रैल, आपके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे कि मैं एविएशन ज्वाइन करूंगा, मैं एमी ज्वाइन करूंगा और मैं हवाई जहाज़ की पढ़ाई करूंगा, एविएशन में जॉब करूंगा. और ये आपके तो क्या, मेरे तो क्या, बहुत लोग के ये सपने ज़रूर होंगे कि मैं भी एविएशन में जॉब करूं, ये करूं, वो करूं, पढ़ाई करूं, बहुत सारा चीज़, बहुत सारा सपना आपका भी होगा. और अभी एक साल होने को है और जितने लोग भी आप मेरे से जुड़े हो, मैं आप यही सोच के जुड़े हो कि यार मुझे एविएशन ज्वाइन करना है, मुझे एमी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में मेरे से कुछ सीखने को मिलेगा, यू नो, मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा. बट अनफॉर्चुनेटली यार एक साल हो चुका है और आप में से बहुत सारे लोग तो न्यूज़ देखते ही होंगे और आप सभी लोग एविएशन का तो हाल देख ही रहे हो यार कि क्या है. बहुत सारे फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है, कैंसिल हो चुकी है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बंद है, जो और जो कोरोना का जो फर्स्ट वेव था उसमें तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था, यू नो, बहुत सारे जो वर्कर्स थे, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको उतना कोरोना नहीं हुआ था. बट इस साल जो सेकेंड वेव आया है उसमें बहुत सारे स्टाफ्स को कोरोना हुआ है, बहुत सारे फैमिलीज़ जा रही हैं. तो यार ये सुन के बहुत दुख होता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोरोना से फाइट कर रहे हैं. बहुत सारे हमारे डोमेस्टिक एयरलाइंस के स्टाफ हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ लोग की अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो जा रही है. सो यार बहुत बुरा लगता है दिल से. एक साल हो चुका है, बहुत सारे आई एम श्योर बहुत सारे आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें से, तो एक साल से इस एमी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही चैनल को नहीं देखते होंगे यार कि यार छोड़ो अब तो एमी करना नहीं है तो क्या चैनल को देखना, क्यों अपना टाइम वेस्ट यहाँ करना. बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे वो पूछ रहे हैं यार भैया अभी कोरोना में जो सेकेंड वेव है इसके बाद क्या एविएशन इंडस्ट्री रिकवर कर पाएगी, क्या एमी कोर्स या एविएशन में आना सही होगा या नहीं होगा. तो ये सोच के डर रहा हूँ कि यार अभी जितने लोग कोर्स कर रहे हैं, एमी कोर्स कर रहे हैं और जो एविएशन में जो भी कोर्स कर रहे हैं यार, उनका आगे आने वाले एक दो साल में क्या होगा. बिकॉज़ यार ये फैक्ट है कि यार एक दो साल तक तो कम से कम एम्प्लॉयज़ में काम कराना चाहिए. तो आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा ये कि एविएशन को ज्वाइन करना है, एमी को ज्वाइन करना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा पायलट बनना है, अच्छा केबिन क्रू बनना है. तो क्या ये जो पीरियड है आफ्टर सेकंड वेव एविएशन में एंट्री लेना सही होगा या नहीं होगा. यार तो देखो, अगर आपका जेन्युइनली बहुत इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को क्विट मत करो, सिचुएशन को देखते हुए क्विट ना करो, ज़्यादा बढ़िया है. बट हाँ, अगर आप उतना इंटरेस्टेड नहीं हो तो यार यू नो, आप सिचुएशन को देखते हुए आप इस फील्ड से एक स्टेप बैक ले सकते हो. क्योंकि यार सिचुएशन सच में यू नो, क्योंकि आप समझ रहे हो कि जब एयरलाइंस का जहाज़ ही नहीं उड़ रहा है एक साल से, यू नो, कोई वैकेंसी नहीं आई है एक साल से, क्या कोई डेढ़ साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोई मेजर वैकेंसी शेड्यूल्ड एयरलाइंस में नहीं आई है अभी के टाइम में. तो यार एक साल में बहुत ही लिमिटेड स्टाफ में इंडिगो या जो भी है एयरलाइंस, गो एयर, विस्तारा, एयर इंडिया वगैरह लिमिटेड स्टाफ में काम करवा रही है. तो आगे आने वाले समय में अभी तो सेकेंड वेव है, अभी तो केसेस पीक पे चल रहे हैं गाइस, और अप्रैल जैसे जैसे आएगा वैसे जो केसेस हैं उसका रेट और बढ़ेगा. और जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्टाफ को और रिस्ट्रिक्ट कर देगी, क्योंकि नो उतना फ्लाइट्स ही नहीं होगा. तो इस चीज़ को देखते हुए अभी का जो सिचुएशन है, क्योंकि दो साल तो एविएशन को रिकवर करने में मिनिमम लग जाएगा. बट जो लोग अभी करंट में कर चुके हैं एमी कोर्स या अभी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो यार अपना फुल एकदम जितना प्रैक्टिस हो सके, जितना आप जी जान लगा दो हर चीज़ में, ताकि अगर वैकेंसी निकलता भी है तो आपका सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो हाई रहे अदर्स के मुकाबले. तो प्लीज़ जो लोग भी आप एमी ज्वाइन कर रहे हो या कर लिए हो या कोर्स कंप्लीट हो गया आपका, तो आप प्लीज़ मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि यही टाइम है आपको आपके स्किल्स पे काम करने के लिए. यू नो, टेक्निकल स्किल्स पे तो उतना आप काम नहीं कर सकते हो, बट यू नो,
थ्योरेटिकल स्किल्स पे अपना काम करो, अपना नॉलेज रखो, यही एक उपाय है आगे फ्यूचर में जॉब लेने के लिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है गाइज। और ये वीडियो मैं यू नो डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है, मैं मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, आगे आने वाले कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाएगा, तो आपको यू नो अगर आप इस चीज़ को लाइट लोगे कि मैं कोई भी कोर्स कर लूँगा तो ईजिली मुझे जॉब लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आप प्लीज़ उस चीज़ को समझो। तो गाइस आज के इस वीडियो में यही थोड़ा सा मोटिवेशन देने में आपको आया था, और आई होप आप समझ रहे होगे क्या सिचुएशन है इस टाइम, और बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो और बस अपना स्किल्स इंप्रूव करो। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही है, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डबल एंड यस स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, जय हिंद।